The diagram given alongside shows two paths drawn inside a rectangular field 50 meter long and 35 meter wide. The width of each path is 5 meter. Find the area of the shaded portion. The red part is the shaded portion. अब यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि ये एक रेक्टेंगल है पतला सा और ये भी एक रेक्टेंगल है पतला सा, क्यों ना हम इनके नाम दे दें, ए बी सी डी, और इसका नाम दे दें पी क्यू आर एस। किसी भी नॉर्मल बच्चे की अप्रोच ये होगी कि हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। कोई भी यही करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच है। यहां पे क्या होगा, जब आप ए बी सी डी का एरिया लेंगे तो उसके बाद पी क्यू आर एस का एरिया लेंगे, तो सिचुएशन ये आएगी कि अंदर ये जो ब्लैक पोर्शन है ये दो बार कवर अप हो जाएगा। इसका नाम हम लोग रख देते हैं ई एफ जी एच। ये दो बार कवर होगा तो उसको एक बार माइनस कर देंगे, है ना। एक बार तो कवर करना ही है ना, एबीसीडी में आ गया और पी क्यू आर एस में दोबारा आ गया, तो दोबारा आ गया तो ई एफ जी एच को माइनस कर दीजिए, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। आप चाहें तो यहां पे रेक्टेंगल 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 भी लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा, देखिए एबीसीडी जो है उसका लेंथ 50 है, विड्थ 5 है, ए 5 है। उसी तरह एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का लेंथ 35 है, विड्थ 5 है, और इसका ई एफ जी एच का एरिया कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। बस ये सॉल्व कर देना है आपको, आपका क्वेश्चन हो चुका है। 250 प्लस 25, 2, 5, 6, 15, 2, 17, 175 माइनस 25 है, 175 में 25 गया, ये आ गया 150, 250 प्लस 150 हो गया 400 मीटर स्क्वायर। सो 400 मीटर स्क्वायर इज द शेडेड एरिया विच वॉज रिक्वायर्ड। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।